हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ही हैं। तो अभी ये आरुष को मैं स्कूल छोड़ने गई थी, तो आरुष को मैं स्कूल से छोड़ के वापस आ रही थी। तो सुबह में मॉर्निंग का टाइम था ये, तो आरुष को मैं वही वापस लौट रही थी, तो वही मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। तो ये है आरुष के स्कूल का सीन। बहुत बड़ी बरगद की पेड़ है, सोसाइटी में ही स्कूल है ये, नर्सरी से लेके 10th तक की स्कूल है, अच्छी स्कूल है, इसलिए हमने इसमें डाल दिया। अभी तो बेसिक है तो कोई बात नहीं, ऐसी बात है। तो मैंने ये बोर्ड भी दिखाया स्कूल का, और ये है हमारी सोसाइटी का क्लब जिसके अंदर है बड़ी सी जिम, स्विमिंग पूल, मतलब सारी जो बहुत सारी स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ है। तो उसके बाद फिर मैं आ रही थी घर आ रही थी, तो वही मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। और ये बेसमेंट है जिसको जो नंबर दिया जाता है ना, वहीं फिर वहीं गाड़ी लगाते हैं, तो यही बेसमेंट है यहाँ पे। और इसके बगल में ही तीन लिफ्ट है, हर टावर में तीन लिफ्ट दिया जाता है, तो तीन लिफ्ट है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर आ गई थी मैं। और ये है हमारी फ्रूट्स, ये है मेरा नाश्ता, जो मैं नाश्ता करती हूँ फ्रूट्स ही करती हूँ, पूजा करनी होती है इसलिए मैं फ्रूट ही नाश्ता करती हूँ। मतलब सुबह में मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तभी से मेरे सिर में दर्द होता है, और फिर अभी थोड़ा सा रिलीफ है, और फिर बीच बीच में पता नहीं, मतलब सिर में दर्द, ये पूरा दर्द, ये पूरा गर्दन बैक दर्द, चक्कर आना, मतलब अजीब सा होना। तो ये सारे सिम्टम्स तो हो सकता है कि आइज प्रॉब्लम हो, क्योंकि फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज करने से ऑब्वियस बात है वही चीज़ होगी। तो बस यही है अभी। हाँ, अब रोज़ रोज़ मैं डिसिप्लिन खा नहीं सकती ना, इतना मेडिसिन लेना भी ठीक नहीं है। तो बस कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रहे तो मतलब ठीक रहेगा। ये आटा आया था, ये आटा मैंने रखा नहीं था एक्चुअली, मैंने आटे का डब्बा वॉश किया था, तो इसलिए मैंने आटा रखा नहीं था। अभी ये आटा अभी इसमें ट्रांसफ़र करना है, कर देती हूँ मैं। और आटा तो हम लोग वही खाते हैं, पता नहीं ये उल्टा दिख रहा है कैमरे में, मल्टीग्रेन आटा खाते हैं हम लोग। मल्टीग्रेन क्या, उसमें ये थोड़े ना होता है कि चना बाजरा सब ज़्यादा दिया रहता है, ओट्स वगैरह कुछ कुछ थोड़े से पोर्शन होते होंगे, ज़्यादा थोड़े ना होते होंगे, ऐसा होता है। तो बस अभी आटा मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये सब काम ना मोस्टली आरुष जब नहीं होता है ना तब मैं करती हूँ, नहीं तो क्या होता है ना कि उसको, वो मेरे से ज़्यादा उसको करना होता है सारा काम, आटा डालना, चावल डालना, सब कुछ करना मेरे से ज़्यादा उसको रहता है सारा काम करना, तो इसलिए वो नहीं होता है ना, तभी ये वाला सब काम मैं तभी फटाफट कर पाती हूँ। बात बाकी ये अच्छी भी बात है कि बच्चे एक्टिविटी करते हैं, हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि आपके बच्चे मतलब हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसी बात नहीं कि पूरे टाइम मतलब फ़ोन टीवी में घुसे रहते हैं। मेरे आरुष में ना एक चीज़ है, मैं ये चीज़ बताऊंगी, उसको ना मतलब वो हमेशा बिजी रहता है, उसको कुछ एक्टिविटी करना होता है, या फिर मोस्टली उसको ना गाड़ी वगैरह से बहुत ज़्यादा, मतलब कि जितनी तरह की गाड़ी आप उसको दे दो, तो उसको बहुत प्यार है गाड़ी वगैरह से। तो वो जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तभी वो टीवी देखने के लिए बैठता है। और जैसे मैं कुछ टीवी में कुछ देख रही हूँ, या उसके पापा क्रिकेट वगैरह देख रहे होते हैं ना, तभी वो फ़ोन छूता है। ऐसी बात नहीं है कि पूरे टाइम उसको फ़ोन ही चाहिए, ऐसा चीज़ नहीं है। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है, तो इसलिए हम लोग कभी फ़ोन मांगता भी है ना, तो आधे घंटे के लिए तो हम लोग उसको मना नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो ज़्यादा फ़ोन उसको मतलब, हाँ ये है कि ज़्यादा फ़ोन उसको नहीं चाहिए, ये वाली चीज़ है। तो ये हो चुका है आटा हमारा डन, और ये हैं सारे बर्तन जो मुझे क्लीन करने हैं। तो सबसे पहले मैं सारे बर्तनों को ना जो उसमें होता है उसको एक बार वॉश करके मैं साइड कर लेती हूँ, एक पानी से वॉश करके साइड कर लेती, ताकि उसमें जो भी लगे होते हैं ना खाने पीने का, तो वो क्लीन हो जाता है, तो मांजने में ईजिली होता है, तो इसलिए मैं सबको साइड कर लेती हूँ। सबको साइड करने के बाद ना मैं जो सिंक होता है ना उसको मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लेती हूँ,
क्योंकि क्या होता है ना कि बर्तन एक पानी से वॉश करने के बाद उसको अगर आप साबुन से मांज मांज के रखो ना, तो जूठे सिंक में नहीं रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मैं मम्मी को ऐसा देखती थी ना, तो मैं इसलिए करती थी। तो मैं पहले नल सिंक सब साफ कर लेती हूँ और इसको मैं धो लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन को मांज के तब उस सिंक में डालती हूँ, उसके बाद मैं सारे बर्तनों को वॉश करके आराम से निकाल लेती हूँ। तो बस वही होता है जो मम्मी को देखते आई थी। वैसे तो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर थी, तो मम्मी जिस दिन नहीं आती थी मैं उस दिन मम्मी को देखती थी करते, तो बस मैं ऐसे ही करती थी। इधर मैं बर्तन वॉश कर रही थी और चूल्हा मैंने कम करना भूल गई मैं कम करना, और सारा दूध बॉयल होके गिर गया। और ये कल एक बार नहीं हुआ था, दो बार हुआ था, तो मैंने दूसरी बार कैप्चर नहीं किया था, ये दूध बॉयल होकर पूरा गिर गया। चलो कोई नहीं, उसके बाद फिर मैं सारा काम ख़त्म करके नहा वहाँ के अभी मैं जा रही हूँ आरुष को स्कूल से लाने। तो इसमें से मैं कीज़ निकाल रही थी, तो बस यही है, अभी जा रही हूँ मैं आरुष को स्कूल से लाने। स्कूल से लाने के बाद फिर आराम से उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। गुड शॉट नहीं लग पाया, गुड शॉट नहीं लग पाया। सेकंड लेग से मारो सेकंड लेग से मारो। सबसे अच्छा तो मैं मारूंगी, रुको, सबसे अच्छा मेरे पैर में कितनी जोर से चोट लगा, अल्लाह ये भी आ गया। सेकंड लेग से मारो। बाइचुंग भूटिया। और ये है मेरी बालकनी से जो सनसेट का सीन था ना, इतना अच्छा था ना, कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, बट इतनी खूबसूरत लग रही थी ना वो। एक्चुअली ये मैंने देखा भी नहीं था, मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए थे वो थोड़ी देर बालकनी में खड़े होने आए थे, उन्होंने मुझे बुला कर दिखाया कि वरना तुमने इसे कभी कैप्चर नहीं किया, इतना सुंदर लग रहा था। उसके बाद फिर खाना मैंने बनाया था, वही आलू और बीन्स की सब्जी, उसके बाद मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि मेरा घर बना हुआ था फुटबॉल ग्राउंड, कभी फुटबॉल ग्राउंड होता है कभी क्रिकेट ग्राउंड होता है, मतलब दोनों बाप बेटे रात में धमा चौकड़ी करते ही करते हैं, तो ऐसी हालत होती है। तो बस मैं फटाफट से रोटी बना के खाना खा लूँगी और उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी। यही है दही आलू बीन्स की सब्जी, दाल रोटी और सैलेड और नींबू का अचार, हम लोग कोई ना कोई एक अचार रात में लेते ही हैं। तो कैसा लगा मेरा छोटू सा ब्लॉग, आप लोग प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग।